अभी हो गया, हम एक ढाबे पर रुके हैं, ऐसा मतलब झारखंड के अंदर खाना खाते हैं। सामान लेकर हम आपको कैसे मतलब पार्किंग है इधर, कितने गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और एक होटल पे खा रहे हैं खाना खाना रुके हैं। दिन का 10:30 बज चुके हैं। मैं ज़्यादातर दाल, पनीर, सेव भाजी और ये रोटी गेहूँ का ज़्यादातर यही मिलता है खाने में, ठीक है। और राजस्थानी होटल पे ये होटल है, वो मेरा गाड़ी खड़ा है उधर, मैं खाना खा के ऊपर को चालू देखते हैं। ये हाईवे पे ब्रिज बन रहा है, ये झारखंड का एक गांव है, चौपारण गांव, इसको चौपारण गांव बोलते हैं, ठीक है। चारों में अभी ब्रिज का निर्माण हो रहा है, पूरा इधर से ब्रिज बनेगा, पूरा इसके ऊपर से मतलब गाड़ी जाएगा, नीचे पूरा पूरा खाली रहेगा। पूरा मार्केट था पहले इधर बहुत ट्रैफिक था, पूरा ब्रिज निर्माण हो रहा है इसका, इसकी अभी टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में पूरा बन जाएगा, फिर बाद में हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, पूरा गाड़ी ऊपर से ही आएगा। नीचे में क्या बहुत दिक्कत है, छोटा ट्रैफिक लेके हर चीज़ का बहुत प्रॉब्लम है, रोड पे खड़ा हो जाता है कोई कुछ भी। अभी यहाँ देखो बस खड़ा है रोड पे, ठीक है, बहुत दिक्कत है। ब्रिज से ऊपर में बाद में काम कंप्लीट होने के बाद में पूरा गाड़ी ऊपर से जाएगा सीधा टॉप ऑफ टॉप, क्या बड़ा गाड़ी रहता है, दिक्कत रहता है, ऐसे आगे गाड़ी डाल देते हैं, हमको धीरे चलना पड़ता है। ये रांची जाता है रास्ता, रांची यहाँ से लगभग हमारे कम से कम 160 किलोमीटर पड़ता है, ये भाई आगे चलते हैं, इस ब्लॉग में आपको दिखाते हैं किस प्रकार का रोड है, क्या क्या कठिनाई आती है। अभी हमारा गाड़ी लोड है, हम चल रहे हैं रास्ते रास्ते, नाइट में भर के निकले, ठीक है। उस कंपनी में मोबाइल यूज करने नहीं दिया, मैं आपको दिखा नहीं पाया, खाना खा के रवाना हो गए हैं, अभी आगे रुकेंगे, ठीक है। कम से कम 60-70 किलो अभी बिहार में इंटर हो ही जाएंगे, ये झारखंड है, कम से कम 20-30 किलोमीटर में यहाँ पर बिहार है, बिहार में इंटर हो जाएंगे, 200 किलोमीटर बिहार में चलेंगे, फिर बाद में उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये थोड़ा डाउन पड़ता है, अभी हम डाउन में चलते हैं, ये थोड़ा घाट है, नॉर्मल छोटा सा घाट है। इधर झारखंड में एक सिस्टम है बहुत ज़्यादा कि इधर मतलब वृक्षों का बहुत महत्व है, यहाँ जितने भी पेड़ हैं वो लोग काटते नहीं हैं, ना ही उनको काटने देते हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान में है खेजड़ी को हम काटने नहीं देते हैं, ये बात है। पेड़ों को छोटे में खेजड़ी को हमारे जोधपुर क्षेत्र में है तो सबसे ज़्यादा खेजड़ी ही नज़र आएगी, ये बात है, क्योंकि हम खेजड़ी को काटने नहीं देते हैं, पूरा पूरा जंगल है, पेड़ नहीं काटते। ये एक इधर की बहुत अच्छी बात लिखी, ये पूरा इधर सावधानी भी लिखी हुई है पेड़ों के बारे में कि भाई पेड़ बचाओ। ये यहाँ का नियम बहुत बड़ा पसंद है, इसलिए तो यहाँ हमेशा ज़्यादा बारिश ही होती रहती है। अभी ये गांव पार करते ही डाउन आ गया, ये देखो बहुत ही बड़ा डाउन है, लंबा डाउन पड़ता है, ये दिखता छोटा है पर बहुत ही खतरनाक डाउन है, कभी भी ड्राइवर भाई आए तो इस डाउन में गाड़ी न्यूट्रल या फ्री ना करे,
और गियर में उतारे और ब्रेक पर कंट्रोल रखे, ये बात है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने गियर पर ही गाड़ी उतारी, कोई डीजल के चक्कर में गाड़ी को भगा देता है, न्यूट्रल कर देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो छोटा डाउन है, कितना धीरे गाड़ी आ रहा है, ये हमारा जोधपुर का ही गाड़ी है। ऐसे ऐसे चलना है, अभी तो मेरा टॉप गियर में चल रहा है गाड़ी, अभी वो अभी ज़्यादा डाउन शुरू होगा। ये पूरा घाट है और पहाड़ी क्षेत्र है, ज़्यादा पहाड़ नहीं है रोड के किनारे, ऐसे बहुत पहाड़ है बिहार झारखंड में, बंगाल में भी है, ऐसी बात नहीं है। झारखंड में इस तरफ बोर्ड बोले पूरे पहाड़ी क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इधर पूरा गहरा मतलब गड्ढा पूरा खाई है उधर, अभी मेरा ज़्यादा डाउन शुरू हुआ है, इतना लंबा डाउन दिखाई। तो इधर में हम क्या करते हैं कि गाड़ी को गियर चेंज कर देते हैं, ये हमने गियर चेंज कर लिया तो ऑटोमेटिक गाड़ी धीरे हो गया, ज़्यादा ब्रेक भी यूज नहीं करना पड़ेगा। सैम खंडाला वो इंजन का टाइप जैसे गाड़ी उतरता है ना, वैसे ही उतारना पड़ेगा। डाउन बहुत ही खराब डाउन है, देखो कैसे जा रहे हैं गाड़ी का, बहुत डाउन में तार बंडल लोड करके जा रहा है। ये पंजाब जाएगा, पंजाब झारखंड और बंगाल सबसे ज़्यादा लोहे का उद्योग इधर ही है, पूरा लोहा मेरे बीच में है, ब्लेड लगा हुआ है, आपको दिखाएंगे ब्लेड गिट्टी वगैरह भर के जाते हैं ज़्यादा। देखो कितना ख़राब डाउन है, ये 6 गाड़ी है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल कर दिया है, गियर डाउन करते हैं तो बगैया मेरा 6 गाड़ी है, तो भी मेरे को धीरे धीरे करना पड़ेगा। ज़्यादा इंजन पे लोड पड़ता है, बल्कि एक ये पटक होता है ये दबा देना, ये देखो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा गाड़ी और चल रहा। ये है इस घाट का रिव्यू, देखो कितना धीरे गाड़ी चल रहा है और स्पीड से आ रहा है। इधर ये खराब है, रोड पे गाड़ी खड़ा कर देते हैं, एक गाड़ी हो गया मिस्टेक तो दूसरे को भी खड़ा कर दिया, बहुत दिक्कत रहता है, पीछे क्या ढलान रहता है, गाड़ी रुकता नहीं है। कंट्रोल रहता नहीं है, ये देखो गाड़ी बहुत पुराना गाड़ी पड़ा हुई, जिसमें कंट्रोल नहीं हुआ, एक पीछे भी गाड़ी उतरा हुआ था, ये सब लापरवाही का नज़ारा है, ये बात है। अभी तो हमारा पूरा हो गया डाउन, ये बस इतना ही डाउन था और बहुत ही ख़राब डाउन था। तो ये था चंपारण घाट, घाट हो गया पूरा। अभी हम चलते हैं, इससे आगे बिहार हो जाएगा, ये इसका चेक पॉइंट था झारखंड का, और अभी भी डाउन है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा डाउन है, डाउन में गाड़ी रुकता नहीं है, तो आगे कोई बाइक वाला आए तो बाइक वाला साथ में ही, ये दिक्कत है गाड़ी वालों की और कुछ नहीं।
छोटी गाड़ी की वजह से ही ज़्यादा हादसा होता है। ये पेड़ बहुत ज़्यादा है, लोग पेड़ नहीं काटते, यहाँ का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। की शर्मा शुरू हो जाती है, देखो झारखंड का फेरियल आया है। ये इधर दोस्तों ये कोयले की गाड़ियाँ हैं, कोयले की पूरा इधर कोई चेक पोस्ट है झारखंड का, ये पूरा देखो इधर पूरा जब्त किया हुआ गाड़ी है। ये दो नंबर का माल लेके आते हैं, पूरा पूरा जब्त किया हुआ गाड़ी है।